अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इमाद खान और आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड लाइव मार्केट इनसाइट के शो से फिर एक दफ़ा आपके साथ हाजिर हुए हैं। और व्यूअर्स, आज जो हम आपके लिए स्मार्टफोन्स लेकर आए हैं मार्केट इनसाइट के शो में, तो वो हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। यानी कि हमारे पास मौजूद है हवावे की तरफ से नोवा 3 और नोवा 3i, जिसको हम कंपेयर करेंगे वीवो V11 और वीवो V11 प्रो के साथ। तो चलिए व्यूअर्स, रिजवान साहब से जो है आप तो है फेमिलियर होंगे, और जो है हम रिजवान साहब से जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन के हवाले से। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रिजवान साहब से ये होगा कि रिजवान, आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये बता दें, ये दोनों स्मार्टफोन जो है इन कंपनीज की तरफ से जो है वो लॉन्च किए गए हैं, इंट्रोड्यूस कराए गए और काफ़ी ज़्यादा जो है हाइप इन्होंने मार्केट में क्रिएट किया था। तो थोड़ा सा अगर हम लोग लास्ट स्मार्टफोन्स इन कंपनी की तरफ से देखते हैं कि इनकी कंपनी की तरफ से जो लास्ट स्मार्टफोन्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे, अब जो इन्होंने ये स्मार्टफोन्स इंट्रोड्यूस कराए, तो इनमें क्या नए फीचर्स जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए जो पहले स्मार्टफोन्स में नहीं थे? थैंक यू अमान साहब। अगर हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स की, तो इस बार हुआवे ने और वीवो ने इसको प्री बुकिंग स्टार्ट किया था, जिसमें अच्छी खासी गिफ्टिंग थी। एक उसको आप ये समझ लें कि इसको एक अच्छा उसको क्रिएट करने के लिए, अच्छा प्रेजेंट करने के लिए, एक हाइप क्रिएट करने के लिए उसकी प्री बुकिंग थी, देन उसकी एक बहुत ज़बरदस्त गिफ्टिंग थी। अगर हम बात करते हैं हुआवे की, तो हुआवे ने इससे पहले नोच का जो एक बहुत अच्छा ट्रेंड स्टार्ट किया, उसको ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। अगर हम उसकी बात करें तो गेम एक्सपीरियंस काफ़ी इंक्रीज़ किया है नोवा 3, नोवा 3i के बारे में, और प्लस इसके अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो हमें उसमें फुल एचडी डिस्प्ले मिलता है, बैटरी काफ़ी इंक्रीज़ की है, उसके साथ साथ हमें लास्ट टाइम जितने भी अगर P20 लाइट की बात करें या किसी प्रोडक्ट की बात करें जिसके अंदर हुआवे आते हैं, तो हमें उसके अंदर रोम 64GB तक महदूद थी। नॉर्मली कस्टमर को ये होता था कि वो फिर ऐड करता था, मैक्सिमम कार्ड ऐड करता था, तो अब उसकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, उसके इशू सॉल्व करने के लिए, अब उसको रोम को 128GB तक नोवा 3 एंड नोवा 3 को इंक्रीज़ कर दिया है। इसके साथ साथ पहले 3 कैमरे का ट्रेंड था, कॉन्सेप्ट था, अब हुआवे ने 2 फ्रंट कर दिए हैं, 2 बैक कर दिए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा उन्होंने एक इंसेंटिव लिया है एक कस्टमर को अट्रैक्टिव करने के लिए। ये चीज़ जब हमारे 2018 में स्मार्टफोन्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, तो हमारे पास ट्रिपल कैमरास का कॉन्सेप्ट था, लेकिन तब से पहले हमारे पास 4 कैमरास का कॉन्सेप्ट जो है वो, जैसे रिजवान साहब ने हमें बताया कि ये हमारे पास हवावे की तरफ से ही इंट्रोड्यूस कराया गया। रिजवान साहब, अगर हम दूसरी साइड पर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं वीवो की तरफ से, हमारे पास वीवो के स्मार्टफोन जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो वो हमारे पास वीवो की तरफ से जो पहला स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसमें हमारे पास फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है अंडर द डिस्प्ले मौजूद था, और अब जो है हमारे पास इन स्मार्टफोन्स में भी जो है, यानी कि वीवो V11 और वीवो V11 प्रो में भी हमारे पास जो है ये फीचर मौजूद है, फिंगरप्रिंट अंडर द डिस्प्ले का फीचर जो है वो हमारे पास इस स्मार्टफोन्स में मौजूद है। तो इन स्मार्टफोन्स में हम लोग जो है वो क्या नया देखते हैं कि इनकी कंपनीज की तरफ से जो है टेक्नोलॉजी पे नया फीचर जो है इस स्मार्टफोन में इंट्रोड्यूस कर। V11 प्रो की बात करते हैं तो हमें उसके अंदर 660 2.2 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, यानी कि जो कॉलकॉम, बिल्कुल अगर हम कॉलकॉम की बात करते हैं तो इसकी जो डिवाइसेज होती हैं लॉन्ग टर्म यूजेज होती हैं, स्लो नहीं होती, हैंग नहीं होती, लैंग नहीं करती, काफ़ी लॉन्ग टर्म डिवाइसेज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यूअर्स हमारा इनसे ये होगा कि थोड़ा सा इन दोनों स्मार्टफोन्स के, दोनों कंपनीज के जो स्मार्टफोन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए, थोड़ा सा कंपैरिजन आप हमें बता दें कि हवावे को कहाँ देखते हैं और आप वीवो के स्मार्टफोन्स को जो है, वीवो V11 के जो स्मार्टफोन है, आप इनको कैसे देखते हैं? नॉर्मली कस्टमर जब मार्केट के अंदर आता है तो वो डबल माइंडेड होता है कि सर हम V11 लें, V11 प्रो लें, या हम हुआवे के नोवा 3 की तरफ आएँ। नॉर्मली वो कस्टमर के जो बहुत ही सेल्फी सेंटर्ड फ़ोन होते हैं या सेल्फी सेंटर्ड पर्सनालिटीज़ होती हैं, जो सेल्फी के बहुत शौकीन रखते हैं, तो वो फिर स्विच होंगे ऑटोमेटिकली हमारे नोवा 3 के, हाँ हुआवे के मतलब। उसके हमें 24+2 MP मिलता है, जो आप समझ लें RGB भी कैमरा मिलता है, हमें बुके इफेक्ट मिलता है, और ये हमारे समझ लें प्लस पॉइंट होता है। जबकि अगर हम अगर आते हैं V11 Pro की तरफ आते हैं, उसमें सिर्फ हमें 25 MP फ्रंट मिलता है, तो यानी कि उसमें हमारे पास सिंगल कैमरा होता है। अगर हम बात करते हैं कॉलकॉम की, तो ऑटोमेटिकली चारों फोन्स के अंदर कॉलकॉम में सिर्फ V11 Pro मिलता है, तो उसमें 660 मिलेगा। अगर हम रैम की बात करते हैं, तो रैम के हवाले से दोनों जो हाई एंड फोन आते हैं, जिसके अंदर नोवा 3 है, लेकिन नोवा 360,000 का, मैं प्राइस भी शेयर कर रहा हूँ, नोवा 360,000 का, जबकि अंदर हम V11 Pro उसके नेक्स्ट वेरियंट पर आते हैं, हमें 6 GB मिलता है। तो वो कस्टमर जो रैम
जो डिमांड करते हैं वो ऑटोमेटिकली फिर विलियम V11 प्रो की तरफ स्विच हो जाएंगे। अच्छा। अभी तो आपने हमें थोड़ा सा इसका कंपैरिजन बता दिया इन दोनों कंपनीज के स्मार्टफोन्स के हवाले से। अब थोड़ा सा हम जो है लास्ट में इनसे ये क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा हमें मार्केट रिस्पॉन्स इन दोनों का बता दें, दोनों स्मार्टफोन्स को थोड़ा सा कंपेयर करके, और फिर जो है हमें थोड़ा सा प्राइस के हवाले से भी हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा एक दफ़ा फिर जो है आप अपडेट कर दें। जी प्राइस के हवाले से अगर बात करें तो हमें जो रीटेल प्राइस है नोवा 3i की 40,000 मार्केट प्राइस है, जबकि नोवा 3 की 60,000 है। अच्छा। अगर हम V11 की बात करें तो 40,000 और V11 Pro जो उसका नेक्स्ट वेरिएंट है इसका 50,000। अगर कस्टमर मार्केट के अंदर आता है तो वो मोस्टली जो इसकी थोड़ी हाइप क्रिएट की जा रही है, दोनों की एक अपनी जगह एक जो है उसकी अपनी उसकी अहमियत है, लेकिन अगर हम बात करें सेल के हवाले से तो हमें उसमें नोवा 3 की सेल काफ़ी प्लस मिल रही है। और दूसरी साइड पे अगर आप Vivo V11 को देखते हैं इसके साथ तो मार्केट रिस्पॉन्स जो है Vivo के जो स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस कराए हैं। अगर आप कहते हैं कि अगर आप उसको परसेंटेज में डिफाइन करें तो अगर मैं परसेंटेज में डिफाइन करता हूं तो 100% मार्क्स देता हूं मैं Huawei के और 75% मार्क्स देता हूं Vivo के। ठीक तो व्यूअर्स ये थे हमारे पास रिजवान साहब और इन्होंने आपको जो है इन दोनों स्मार्टफोन्स के हवाले से अपडेट किया और इसके साथ साथ इन्होंने हमें मार्केट फीडबैक भी दिया कि मार्केट में इन दोनों स्मार्टफोन्स के यानी कि इन दोनों कंपनीज के जो स्मार्टफोन्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्स इनको मिल रहा है। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ साथ नेक्स्ट शो में मजीद स्मार्टफोन्स के साथ। तो फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।